नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय JK 24/7 न्यूज और मैं हूं अनिल चाक जनपद मैनपुरी से और मैं इस समय कस्बा बिछवा में मौजूद हूं और हम आपको बताएं कि यहां पर जो है एक हज करके जो है एक यात्री लौटे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या सुविधाएं मिली और आज जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो दावा करती है कि जितने भी हाजी हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इस अवसर पर हम बात करते हैं, सर क्या नाम है अफसर आपका? नन्ना। हाँ, जिस तरह से आप हज पे गए थे क्या मन्नत थी और किस आस्था के साथ गए? आस्था के साथ गए थे जी, पूर्ण आस्था के साथ। अच्छा, कोई दिक्कतें मिली? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से कितनी कितनी सुविधाएं मिली आपको? सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन अपनी तरफ से सुविधाएं बहुत मिली, खाना पीना हर बहुत तरीका की व्यवस्था। अच्छा, कितने दिन लगे हैं आपको यात्रा करने में? यात्रा करने में हमें 44 दिन लगे हैं जी। 44 दिन में आज ये जो है ना आप यहाँ पहुँचे हैं, सकुशल आए हैं? सकुशल आए हैं। कोई किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं जी। आपके ये वालिद हैं? जी जी। आपने कब इनको भेजा था और क्या किस शुभकामना के साथ भेजा? मैंने इनको एक महीना 10 दिन पहले भेजा था, 1 महीना 10 दिन पहले, और 44 दिन के बाद ये स्वदेश वापस लौटे बाकायदा अच्छी तरीके से और हम इन्हें रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पे गए थे और वहाँ से रिसीव करने के बाद और चले आए। जी जी। क्या आपके वालिद ही गए थे या वालिदा भी? नहीं, वालिद ही गए थे, वालिदा तो बीमार है इसलिए वो नहीं जा पाई। वालिद गए थे, हमारी बिछमा के चाचा इस्लाम गांव गए थे, दोनों भाई गए थे। सही सलामत जी। जी सही सलामत लौटे। क्या कहना चाहेंगे अल्लाह ताला के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे, इन्होंने वतन के लिए देश के लिए दुआएं मांगी, अमन चैन की दुआएं मांगी और सब लोग खुश रहें, अच्छे रहें, बाकायदा सब सही रहें। अच्छा, अगर जो आपने की बात अगर जो आती है वहाँ कई वक्त की नमाज अदा की होगी, इस अवसर पर जो नमाज के दौरान क्या कामना की? मदीना शरीफ में मैंने 40 नमाजें अदा की जी। उसके बाद मैं मक्का शरीफ में गए तो मक्का शरीफ में जो है वहाँ काबा शरीफ के तवाफ मैंने कम से कम 20 किए हुए हैं जी। और दुआ के दौरान क्या दुआ अल्लाह से दुआ मांगते रहे और तवाफ करते रहे और हर तवाफ के बाद मैंने अमन चैन की दुआएं मांगी सबके, मानो परिवार की, गांव की, हेतु नातेदार की और मानो सबकी पास पड़ोसियों की सबकी दुआएं मैंने मांगी और जिन जिन ने हमसे दुआओं की कही उनकी सबकी दुआएं जो है हमने जो है अल्लाह से पेश की। हाँ, सभी को सलामत। सभी को सलामत। तो सुना आपने कि किस तरह से जो हज से लौटे हुए हैं ये हमारे जो है ना जरौली के निवासी हैं और इनका नाम जो बता दें हम आपको, नन्ने खान इनका नाम है और ये जो है ना ईश्वर से जो दुआ मांगी है और उन्होंने केवल अमन और चैन में जो पूरे अमन में चैन बनाए रखने की दुआ मांगी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है क्या नाम है हाफिज जी? सर JK 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से कोई हज को जाता है तो क्या कामनाएं लेके जाता है? कामनाएं का ये होता है कि अल्लाह की तरफ से हज फर्ज किया गया हर आकिल और बालिग के ऊपर। इस्लाम में 5 फराइज हैं जिसमें से एक ये भी फर्ज है। तो जो साहिब इस्तेआत है यानी कि जो अल्लाह ताला जिसे दौलत देता है उस पर हर हाल में हज फर्ज है तो उसे चाहिए कि उसे हज जिंदगी में एक मरतबा करना चाहिए। और हज में ये होता है कि 8 दिन मदीने शरीफ में और उसके बाद मक्का शरीफ में गुजारने होते हैं। गुजारने के बाद लोग अपने लिए, अपने अहल वकारीब के लिए, अपने वतन के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआएं करते हैं। ये एक फ़र्ज है और उसी फ़र्ज को अदा करने के बाद आप उस चीज़ से फारिग हो जाएंगे जिससे अल्लाह ताला ने आपके लिए कहा है। यही मतलब इसका है जी। कितनी क्या खूब बात कही है जिस तरह से बताया गया है। हमारे साथ में एक और हाजी जी है जिन्होंने हज करके आज लोगों के बीच में है और समाज का उत्थान कर रहे हैं, ऐसे हम समाज सेवी से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है औसाफ नबी। आप भी शायद 2 साल पहले या 1 साल पहले हज पे गए? हाँ, मैं सन 10 में गया था। हाँ, मुझे करीब 12-13 साल हो चुकी है। हाँ, तब मैं हज करने गया था। और सर हज के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती है? लोग बताते हैं कि हज के दौरान पता नहीं कौन कौन सी दिक्कतें आए, हमारा जो भी व्यक्ति है वो वापस आ पाए या ना आ पाए, ये ऐसी बात कही जाती है। लेकिन जितना आप हज में काम करते हैं तो यहाँ परिवार भी जो है चिंतित रहते हैं। सर क्या कहना चाहिए? ऐसा है वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती, बड़ा सुकून है।
यहाँ से भी ज्यादा सुकून वहाँ मिलता है, जन्नत है जी, जन्नत है। लोग जो है कहते हैं कि वहाँ कोई तकलीफ होती हो या कोई कोई नहीं, यहाँ से बड़ा सुकून वहाँ है। लोग जो है अगर मान लीजिए वहाँ तो अल्लाह का घर है, ये यहाँ वहाँ होने का मतलब परेशानी होने का कोई सबब ही नहीं है वहाँ पर, सब सुकून से जो है ये, क्योंकि मैंने गया हूँ तो मुझे हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी, हाँ कोई तकलीफ नहीं हुई थी। क्या दुआ करते हैं? दुआ यही है सब सब जो है अमन चैन से रहे, सभी देशवासी गांव वाले और जितने भी लोग हैं अमन चैन से अपनी जिंदगी काटे, यही सब की दुआ। तो सुना आपने क्या कहते हुए नजर आए हज यात्री, इन्होंने साफ कहा है कि मक्का मदीना अल्लाह का घर है, वहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं होती है, मक्का मदीना जन्नत है। कैमरामैन के साथ अनिल शाक, JK247 न्यूज, मैनपुरी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।